इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम न्यू एक्सप्रेसवे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा नया रोड और जेवर एयरपोर्ट तक बनाया जाएगा। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दादरी सूरजपुर छछेला रोड समांतर दोनों शहरों के बीच महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी करेगा और जेवर एयरपोर्ट तक ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। दोस्तों, ये 25 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा और 130 मीटर इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई होगी। इसका प्रस्ताव सरकार ने जारी कर दिया है और जल्द ही इस एक्सप्रेसवे का सर्वे प्रारंभ कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ये नई सड़क के बनने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट का चार मूर्ति चौक, गोरी सिटी, गोल चक्कर सीधे नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से बनने से आपके कई कनेक्टिविटी, कई ज़िले इससे एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो जाएगी। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल तक समान एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। दोस्तों, यमुना प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और जल्द ही यमुना एक्सप्रेसवे का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि ये नोएडा ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे 130 मीटर चौड़ा और आपका 25 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनने से जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे से भी इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी इस पर सुविधा और जेवर एयरपोर्ट भी इस पर सुविधा दी जाएगी और भारी वाहन को इस पर ज़्यादा वाहन सिटी में ना जाके बाहर के बाहरी इस एक्सप्रेसवे से बनने से बेनिफिट होगा। इसकी तैयारी में आपका यमुना प्राधिकरण लग चुके हैं और यूपीडा जल्द ही इसकी भूमि अधिग्रहण के निर्देश करके प्रस्ताव कंप्लीट करने के बाद में इस पर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। दोस्तों, जैसे ही हमें ये जानकारी और मिलती है कौन कौन से गाँव से कौन कौन से क्षेत्र से होकर गुजरेगा, हम आपको पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।